हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीटीसी जोधपुर यूट्यूब चैनल्स पे। मैं गिरिराज व्यास, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पे कार्यरत हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। इस लेक्चर के कंटेंट्स को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से ही मालूम रहनी चाहिए, तो कुछ प्री रिक्वेस्टीज है इस वीडियो लेक्चर के लिए। इसमें है आपकी नॉलेज ऑफ लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल के बारे में, बोलियन एलजेब्रा के बारे में और के मैप के बारे में। सो व्हाट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट? ए कॉम्बिनेशनल सर्किट कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स। मतलब एक ऐसा सर्किट डायग्राम जिसमें कुछ इनपुट्स होंगे और मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं। किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल, कि अगर आपको कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है, लेट्स से हाफ एडर, तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि हाफ एडर क्या कार्य करता है। जैसे कि हमें पता है कि हाफ एडर क्या करता है, दो बाइनरी बिट्स को ऐड करने का काम करता है। दैट मींस ये पहला स्टेप हो गया, स्टेट द प्रॉब्लम इन वर्ड्स। सेकंड स्टेप है फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या तो इनपुट्स होंगे और क्या क्या उसके आउटपुट्स पॉसिबल है। अगेन, अगर हम हाफ एडर का एग्जाम्पल लेते हैं, हमें पता है कि हाफ एडर दो इनपुट बिट्स को ऐड करता है और सम और कैरी दो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स दो तो इनपुट हो गए हमारे पास और दो उसके आउटपुट हो गए। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि आपको उसका ट्रुथ टेबल बनाना है। अब ट्रुथ टेबल पता ही है क्या होता है, इनपुट और आउटपुट की मैपिंग। इन केस ऑफ हाफ एडर हमारे पास दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। उन चारों कॉम्बिनेशंस के हमें आउटपुट्स दैट इज सम और कैरी को ट्रुथ टेबल में लिखना होगा। उसके बाद हम ट्रुथ टेबल की सहायता से और के मैप की सहायता या फिर बूलियन एलजेब्रा की सहायता से सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करेंगे। अब सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशंस हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम केवल ट्रुथ टेबल को देख के ही कई बार हमें पता लग जाएगा कि इसके आउटपुट क्या क्या होंगे, दैट मीन्स बाय सिंपल ऑब्जर्वेशंस। और अगर ऑब्जर्वेशन से नहीं आ पा रहा है तो फिर हम के मैप की सहायता से उस कॉम्बिनेशन सर्किट का सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशंस निकालेंगे। ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। इसके बाद जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप है वो है उसको लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करना। हाफ एडर, हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स या फिर टू बाइनरी बिट्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास हाफ एडर में दो तो इनपुट होंगे, लेट से ए एंड बी, और दो आउटपुट होंगे, एक होगा सम एक होगा कैरी। जैसे कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं, दो इनपुट हो गए और दो आउटपुट है सम एंड कैरी, और ये बीच में हाफ एडर जो लिखा हुआ है ये आपका एक्चुअल लॉजिक डायग्राम बनने वाला है। यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल दिखाई गई है, दो इनपुट है हमारे पास ए और बी, दो आउटपुट है सम और कैरी। जैसे कि हम जानते हैं 0+0 आप करोगे तो सम क्या आएगा उसका 0 और कैरी भी क्या आएगी 0। इसी तरीके से अगर आप 0+1 करोगे
तो सम तो वन आएगा बट कैरी हमारी ज़ीरो आएगी। थर्ड कॉम्बिनेशन है वन प्लस ज़ीरो, अगेन सम इज़ वन, कैरी इज़ ज़ीरो। फोर्थ कॉम्बिनेशन है वन प्लस वन, जब वन प्लस वन करते हैं, एडिशन करते हैं, तो सम तो ज़ीरो आता है और कैरी आउटपुट आती है वन। इस ट्रुथ टेबल से आप आराम से देख सकते हैं। अब हम सम और कैरी इन दोनों आउटपुट्स का बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप कैरी का आउटपुट देखिए। बाय ऑब्जर्वेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो कैरी में केवल एक ही कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट वन आ रहा है जब दोनों इनपुट्स वन हैं, बाकी सभी ऑप्शंस कॉम्बिनेशंस के लिए आपका आउटपुट ज़ीरो आ रहा है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो कैरी वाला आउटपुट है ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम कैरी का सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू ए डॉट बी। इसी तरीके से अगर आप सम वाले कॉलम को देखो, जब दोनों इनपुट डिफरेंट है तब उसका आउटपुट वन है और दोनों इनपुट सेम है तब आउटपुट है ज़ीरो। अगर आप इसको अगेन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सम जो है वो एक्सओर गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो एस इक्वल्स टू ए एक्सओर बी, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो लिखोगे आप ए डैश बी प्लस ए बी डैश। तो ये तुम्हारे सम का और कैरी का बूलियन एक्सप्रेशंस आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम बनाना। जैसा कि अभी आपने देखा था सम और कैरी के बूलियन एक्सप्रेशंस आ गए थे, कैरी एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा था और सम एक्सओर गेट की तरह बिहेव कर रहा था। दो इनपुट लिए हमने, दोनों को एक्सओर गेट से निकाला तो आउटपुट सम मिल जाएगा, दोनों को एंड गेट से निकाला तो आउटपुट कैरी मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड हाफ एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि बेसिक कंपोनेंट है। बेसिक कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे ये होने वाला है कि अगर आप और कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करते हो, फॉर एग्जांपल फुल एडर, तो आप इन छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है हाफ एडर जैसे, इनको काम में लेते हुए उन फुल एडर्स को आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कम योर हाफ सब्ट्रैक्टर। जैसे कि हाफ एडर में दो बिट्स को ऐड करते थे, यहाँ पे हम दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाफ एडर में आउटपुट हमारे सम एंड कैरी था, यहाँ पे डिफरेंस एंड बोरो दो आउटपुट होने वाले हैं। जैसा कि आपको उस ब्लॉक डायग्राम में दिख भी रहा है, ए और बी दो इनपुट है, डिफरेंस एंड बोरो आप दो आउटपुट है। हाफ सब्ट्रैक्टर आपका लॉजिक डायग्राम है। द ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, दो इनपुट्स हमने लिए एक्स एंड वाई, आउटपुट्स है डी फॉर डिफरेंस, बी फॉर बोरो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो होने वाला है और बोरो भी नहीं करनी पड़ेगी इस केस में हमारे को। सेकंड ऑप्शन में ज़ीरो माइनस वन जब आप करोगे तो डिफरेंस भी वन आएगा और बोरो करना पड़ेगा आपको, इसलिए बोरो भी वन आएगा। वन माइनस ज़ीरो, डिफरेंस इज़ वन, बोरो इज़ ज़ीरो। वन माइनस वन करोगे तो दोनों डिफरेंस और बोरो दोनों ज़ीरो आएंगे। अगेन अब यहाँ पे हम बाय ऑब्जर्वेशंस ईजिली देख सकते हैं जो डी आउटपुट है, डिफरेंस जो आउटपुट है वो एक्सओर गेट से रिजेंबल कर रहा है, जैसे कि वहाँ पे सम कर रहा था हाफ एडर के केस में। तो हम डी के लिए लिखेंगे एक्स एक्सओर वाई, इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश। सिमिलरली जब आप बी आउटपुट को आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे सेकंड जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए बी इक्वल्स टू वन है, अदरवाइज सभी के लिए क्या है, बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर और फोकस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही आपका वन आएगा, जहाँ पे आपका एक्स तो ज़ीरो है लेकिन वाई क्या है, वन है। तो इसको भी अगर एक्स डैश वाई कर दे तो ये वन मिल जाएगा, अदरवाइज सभी जगह ज़ीरो है। तो बी इक्वल्स टू एक्स डैश वाई आप इसको लिख सकते हैं जस्ट बाई ऑब्जर्विंग द ट्रुथ टेबल। इस चीज़ को अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है बी इक्वल्स टू एक्स डैश वाई कैसे आ गया है, तो आप इजीली टू वेरिएबल के मैप बना लीजिए और टू वेरिएबल के मैप को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स डैश वाई मिल जाएगा।
द लास्ट स्टेप इज लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर. डी इज द डिफरेंस दैट इज इक्वल टू एक्स ऑर गेट. तो हमने एक्स और वाई दोनों इनपुट्स को एक्स ऑर गेट से पास किया, डी मिल जाएगा और बी इक्वल टू था हमारा एक्स डैश वाई. तो पहले हमने एक्स को एक्स डैश बनाया नॉट गेट से पास करके और वाई को डायरेक्ट इनपुट कर दिया एंड गेट के अंदर. जो आउटपुट आएगा वो आएगा बी ज़ीरो. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर्किट हमारा है फुल एडर. फुल एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो कि थ्री इनपुट बिट्स को ऐड करने के काम में आता है. और अगेन इसके भी हमारे पास दो आउटपुट आएंगे सम एंड कैरी. जो तीन इनपुट होते हैं उनमें से दो तो प्राइमरी इनपुट होते हैं ए एंड बी और तीसरा सी इनपुट होता है मतलब कैरी इन और दो आउटपुट होते हैं सम एंड कैरी आउट. जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं ए बी और सी इन ये आपके तीन इनपुट्स होंगे. सी आउट और एस मतलब सम ये आपके दो आउटपुट्स होंगे. नेक्स्ट कम्स योर ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर. जैसे कि तीन इनपुट के आठ कॉम्बिनेशन होते हैं ये सामने लिखा हुआ है. दो आउटपुट्स है सी आउट और एस मतलब सम. पहले कॉम्बिनेशन में तीनों इनपुट्स ज़ीरो है सम भी ज़ीरो रहेगा और सी आउट भी ज़ीरो रहेगा. दूसरे इनपुट में 001 तो सम तो 1 बट कैरी 0. इस तरीके से लास्ट वाला इनपुट देखिए आप तीनों 1 है इनपुट्स 1 है तो सम भी 1 रहेगा और कैरी भी 1 रहेगा. इसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए और अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए कि जो सम और सी आउट है वो सही लिखा हुआ है या नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सम और कैरी के लिए बूलियन एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे. अभी आप इस ट्रुथ टेबल से बाय ऑब्जर्वेशन सम और कैरी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो हम इसके लिए के मैप ड्रॉ करेंगे. क्योंकि थ्री वेरिएबल्स हैं तो हम थ्री वेरिएबल के मैप काम में लेंगे और उन उन मिन टर्म्स के लिए हम 1 लिख देंगे जिनके लिए हमारा आउटपुट 1 आ रहा है. सबसे पहले हम सम को देखते हैं. सम चार कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट 1 आ रहा है M1, M3, M4 और M7. अब इस के मैप में आप देख सकते हैं कि किसी भी कोई भी वन एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे M1 के लिए. M1 के लिए क्या आएगा A बार B बार C इन. फिर हम लिखेंगे M2 के लिए. M2 में क्या आएगा A बार B C इन पे बार. फिर हम लिखेंगे M4 के लिए तो वो है A B बार C बार. और फिर हम लिखेंगे M7 के लिए जो है A B C इन. ये बेसिकली अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये ए एक्सोर बी एक्सोर सी मतलब थ्री इनपुट एक्सोर गेट के बराबर है. ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन भी कहते हैं. इसका मतलब ये ऑड फंक्शन से ये मतलब है कि अगर आपके इनपुट में इनपुट जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसमें अगर आपके नंबर ऑफ वंस ओड है तो उसके लिए आपकी जो आउटपुट है वो 1 रहेगी. जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ट्रुथ टेबल से पता लग जाएगा आपको कि जब इनपुट 001 था तो आउटपुट आ रहा है 1. इनपुट क्या है 001 मतलब नंबर ऑफ वंस कितने इनपुट कॉम्बिनेशन में ओनली 1 मतलब जो कि ओड है. तो अब आप बाकी तीनों के लिए भी आप चेक कर सकते हैं. तो ऐसा फंक्शन कोई भी फंक्शन जो कि ओड फंक्शन होता है उसको आप एक्सोर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ कम्स टू द कैरी पार्ट. अब कैरी में जब आपने 1 की मार्किंग कर ली है के मैप के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन 8 का तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा है. फिर हम 4 वंस का बनाने की कोशिश करेंगे 4 का भी नहीं बन रहा है. उसके बाद हम दो दो के पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो
हमारे पास यहाँ पे तीन पेयर बन रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, दो दो वन के हमारे पास तीन पेयर बन रहे हैं। एक पेयर के लिए आएगा हमारा ए बी, दूसरे पेयर के लिए आएगा ए सी इन, और तीसरे पेयर के लिए आएगा बी सी इन। तो सी आउट हमारा हो गया ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। ये आपके नाउ कम्स योर लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर, जो कि हम पिछले स्लाइड्स में देखा था हमने, जो सिंप्लीफाइड बोलियन एक्सप्रेशंस थे उनको यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। हमें पता था सम का जो आउटपुट है वो एक्सोर गेट है, थ्री इनपुट एक्सोर गेट, जो तीनों इनपुट है ए बी सी इन, इन तीनों को हमने एक्सोर गेट के इनपुट पर लगा दिया और जो आउटपुट आएगा वो सम आएगा। और सी आउट के लिए हमें तीन एंड गेट और एक और गेट चाहिए होगा, क्योंकि तीन हमारे पास उसमें टर्म्स आ रही है। पहले एंड गेट में ए और बी इनपुट है, दूसरे एंड गेट में ए और सी इन इनपुट है, और तीसरे एंड गेट में बी और सी इन इनपुट है। इन तीनों एंड गेट्स का आउटपुट एक और गेट से पास कर देंगे तो ये सी आउट हमें मिल जाएगा। नाउ हम देखेंगे कि एक फुल एडर को दो हाफ एडर्स के काम में लेते हुए कैसे बनाया जा सकता है। इस लॉजिक डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने दो हाफ एडर काम में लिए हैं और एक और गेट काम में लिया है। तो हम किस द नेक्स्ट टॉपिक इज फुल सबट्रैक्टर। तो व्हाट इज फुल सबट्रैक्टर? फुल सबट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द सबट्रैक्शन ऑफ थ्री बाइनरी बिट्स एंड प्रोड्यूसेस टू आउटपुट्स डिफरेंस एंड बोरो। यहाँ पे हमारे तीन इनपुट्स हम ले रहे हैं एक्स वाई और बोरो इन, मतलब बी इन, और दो आउटपुट हमारे पास है डिफरेंस एंड बोरो। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर, जहाँ पे कि तीन इनपुट्स है और दो आउटपुट्स है, और बीच में मैं को एक्चुअली लॉजिक डायग्राम बना के प्लेस करना है। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल सबट्रैक्टर, तीन इनपुट्स है और दो आउटपुट्स है। अगेन इनपुट्स थ्री है तो नेचुरल सी बात है कॉम्बिनेशंस आउट एट होंगे, टू रेस्ट पावर थ्री। हमने इनको सीक्वेंस में लिख दिया, डेसिमल इक्विवेलेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के हिसाब से लिखा हुआ है। ये बी आउटपुट का देख लीजिएगा और ये डिफरेंस है, लास्ट वाला जो कॉलम है वो डिफरेंस का है, उसके पहले है बी आउट। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए डी और बी आउट दोनों को पेन और पेपर से कैलकुलेट करें और कन्फर्म करें, चेक करें कि जो इस स्लाइड में दिखाया गया है ये ठीक है। तो प्लीज़ स्टॉप द वीडियो, टेक योर पेन एंड पेंसिल पेपर एंड वेरीफाई द आउटपुट्स। नाउ हम बोरो एंड डिफरेंस दोनों ही आउटपुट्स के लिए कैम ऐप बनाएंगे, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। डिफरेंस एक तरह का ऑड फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको फुल एडर में बताया था। जो भी ऑड फंक्शन होता है उसको हम एक्सोर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीन इनपुट है एक्स वाई और बी इन, तीनों को एक थ्री इनपुट एक्सोर गेट से पास कर देंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। और बोरो के लिए के मैप है, यहाँ पे हमारे पास तीन पेयर्स है। पहले पेयर के लिए हमारे पास एक्स डैश
बी इन, दूसरे के लिए वाई एक्स डैश वाई, और तीसरे के लिए वाई बी इन। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप और पॉज द वीडियो और अपने आप इसके मैप को ड्रॉ करिए और वेरीफाई करें कि ये जो स्लाइड में दिख रहा है वो सही है। जब एक बार हमने सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशंस निकाल लिए हैं आउटपुट के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है लॉजिक डायग्राम। तो डिफरेंस 3 इनपुट एक्स और गेट के बराबर था, तो हमने एक्स वाई और बी इन जो कि हमारे 3 इनपुट है, इन तीनों को एक्स और गेट के इनपुट्स में अप्लाई कर दिया तो आउटपुट हमें डी मिल जाएगा डिफरेंस। और बाकी तीन हमारे पास बूलियन टर्म्स थी बी आउट के लिए, इन तीनों के लिए हमको एक एक एंड गेट चाहिए होगा और जो उनका आउटपुट आएगा उसको हमें एक 3 इनपुट और गेट से पास करना होगा बी आउट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक फुल सबट्रैक्टर को हाफ सबट्रैक्टर्स के थ्रू कैसे बनाया जा सकता है। एक फुल सबट्रैक्टर को हाफ सबट्रैक्टर्स के द्वारा बनाए जाने के लिए हमें 2 हाफ सबट्रैक्टर चाहिए होगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और एक और गेट चाहिए होगा। सेम कॉम्बिनेशन हमने फुल एडर के लिए भी काम में लिया था जब हमने फुल एडर को डिज़ाइन किया था यूजिंग हाफ एडर्स। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के कॉम्बिनेशन सर्किट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।